हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वॉइस ऑफ रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन लेके आया हूँ जो लेफ्ट एंड राइट हैंड का है। कभी कभी ऐसा होता है जब राइट हैंड से म्यूजिक प्ले कर रहे होते हो तो लेफ्ट हैंड प्रॉपर नहीं चल पाता, तो मैं एक तो वो लेसन आपको बताऊंगा, कुछ राइट हैंड के फिंगर टिप्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जिसके जरिए आप अच्छे से म्यूजिक प्ले कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अच्छे सीखते रहें। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आइए, तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि हम राइट हैंड से कुछ अलग म्यूजिक बजा रहे हैं और लेफ्ट हैंड में अलग पैटर्न चल रहा है, तो वो कैसे परफेक्ट बजे। देखिए, जैसे कि मैं अपने पिछले लेसन में आपको बता चुका हूँ कि स्केल के जो 7 नोट होते हैं, 7 सुर होते हैं, उनको हमको प्रैक्टिस करना अच्छे से राइट हैंड से। जैसे कि सी ले रहे हैं हम, तो सी मेजर के नोट प्ले करेंगे हम। ये टाइमिंग में हम राइट हैंड प्ले करेंगे। अब लेफ्ट हैंड, सी जी सी, ये टाइमिंग में हम लेफ्ट हैंड के नोट प्ले करेंगे और राइट हैंड में हम कुछ अलग बजाएंगे। देखिए, ये सिंगल में बज रहे थे, ये डबल में बज रहे थे। अब लेफ्ट हैंड में हम यही बजाएंगे सेम, और राइट हैंड से हम इसको और स्पीड बढ़ा देंगे, यानी कि डबल में कर देंगे इसको। जैसे कि लेफ्ट हैंड यही बजता रहेगा, सी जी सी जी, ये अब लेफ्ट हैंड में यही बजाएंगे हम सेम, और राइट हैंड की स्पीड और बढ़ जाएगी। जैसे बोलते हैं तिगुन चौगुन बोलते हैं, तो ये चौगुन की स्पीड बढ़ जाएगी इसकी। देखिए, सी जी सी जी सी जी सी जी, और राइट हैंड, तो देखा आपने फर्स्ट में भी बजाया और सेकंड में भी हम जब स्पीड बढ़ाई और थर्ड में हमने इसकी राइट हैंड की स्पीड और बढ़ाई, लेकिन लेफ्ट हैंड वही चला। तो दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड राइट का ये प्रैक्टिस लेसन है। अगर इसे कंटिन्यू आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड राइट का अभ्यास अच्छे से हो जाएगा। और आइए दोस्तों, एक लेसन और बताता हूँ मैं आपको फिंगरिंग के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उससे प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपकी फिंगरिंग मूविंग और अच्छे से फास्ट प्ले कर पाएंगे आप। तो दोस्तों, मैं आपको स्केल के बारे में पहले बता चुका हूँ, मेजर और माइनर। जो मेजर स्केल होती है उसके कौन कौन से नोट होते हैं, और माइनर के जो स्केल होती है उसके जो आरोबरो के सरगम के जो 7 नोट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो वही नोट हमको बजाने हैं और कंटिन्यू बजाने हैं। जैसे कि सी मेजर लेते हैं फर्स्ट, तो लेफ्ट हैंड में हम कॉर्ड लेंगे सी मेजर, यहाँ से ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड में कौन बजाएंगे, अब इसके बाद डी मेजर ले लेंगे, अब ई मेजर, एफ मेजर, जी मेजर, ए मेजर, बी मेजर। तो ये तो हुआ वाइट नोट मेजर का। अभी मान लीजिए माइनर का लेते हैं, तो माइनर का भी ऐसे ही अब डी माइनर,
ई माइनर, एफ माइनर, इसी तरह जो मैं आपको अपने पिछले वीडियो में हर स्केल के नोट लिखा चुका हूँ, स्केल के सुर कौन कौन से होते हैं वो आप सुर पहले इस पर लिख सकते हैं, उसके बाद बुक में लिख के कंटिन्यू देख के कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है आपको। पहले धीरे धीरे करें प्रैक्टिस, जैसे पहले सी की कर रहे हैं, इसी तरह धीरे धीरे फिर आपको स्पीड बढ़ानी है, इसी तरह जो वाइट है ऐसे ही आपको ब्लैक नोट का भी करना है, सी शार्प मेजर, ये अभी एक ऑक्टेव में बजा रहा है, उसके बाद फिर हम फुल कीबोर्ड का नोट प्ले कर सकते हैं, डी शार्प मेजर, जैसे कि मैं आपको पिछले लेसन में बता चुका हूँ कि आपको को सब कुछ हर नोट की स्केल के आरोह के नोट को मालूम आपको होंगे, मैं फॉर्मूला भी आपको बता चुका हूँ कि स्केल के नोट निकालना, उसके आरोह के नोट निकालना, आप हर स्केल के नोट निकाल लें, उसके बाद आप बुक में लिख लें, सामने बुक रखें, उसके बाद फिर देख देख के आप कंटिन्यू प्ले करते जाएं, जितना आप कंटिन्यू प्ले करेंगे उतना ही आपका हाथ का जो फिंगर है वो आपकी मूविंग अच्छे से करेंगे, और कोई भी गाना प्ले करेंगे तो उससे फिर आप अच्छे से बजा पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो में आपके लिए मैं ये इतना ही। तो दोस्तों आज मैंने आपको अपने इस वीडियो में कुछ लेफ्ट एंड राइट एंड के कुछ प्रैक्टिस के फिंगर टिप्स आपको बताए, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी मुझसे कुछ बात करनी है बोलना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वीडियो के स्टार्टिंग में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करके डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपको कुछ और अच्छा लेसन बताऊंगा जिससे आप कुछ और सीख पाएंगे, तब तक के लिए।